चाहे नागौर में सम्मेलन हुआ, चाहे हनुमानगढ़ में सम्मेलन हुआ, चाहे उदयपुर वाटी गुड्डा शेखावाटी में हुआ, तो इन तमाम सम्मेलनों में हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के जो भी विचारधारा से जुड़े हुए वो सब लोग, और सचिन पायलट जी देखो एक युवा नेता है, उनका एक युवाओं में अलग क्रेज है, और उस क्रेज का फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसी सभाएं, ऐसी मीटिंगें जो होती हैं उसमें युवा लोग ही आते हैं। और मैं एक उनको कहना भी चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा उन्होंने, कि वो किसी भी पार्टी की किसी भी सभा में वर्कर की बात करते हैं, वर्कर के अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 6.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में काम किया। पार्टी हमारी विपक्ष में थी, जब वो आए तो उस टाइम पे हमारी पार्टी की, क्योंकि 21 सीटें रह गई थी, तो पार्टी की स्थिति, इसको मैं कहूं कि खराब नहीं थी, थी उस खराब स्थिति में उन्होंने अध्यक्षीय पद संभाला, और उसके बाद में उन्होंने संगठन को भी खड़ा किया, चुरुस्त दुरुस्त किया। हाँ, मैं भी उस टाइम पे सेवा दल के अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में उनके साथ काम करता था, पार्टी के तमाम लोग काम करते थे, पार्टी के उन मेरे साथियों ने, मित्रों ने, सीनियर लोगों ने, क्योंकि विधायक तो हमारे 21 ही थे, बाकी सब लोग संगठन के ही आदमी थे, हम पार्टी के ही लोग थे सारे, लेकिन सड़क पे संघर्ष किया, जेल गए, हमने पैदल यात्राएं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी पार्टी सत्ता में आ गई। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद में वर्कर के रूप में का जिस रूप से ध्यान नहीं रखा गया, मैं उसमें ये कहूंगा कि कोविड एक फैक्टर रहा, कोविड फैक्टर के टाइम पे, क्योंकि वो महामारी का टाइम था, उस समय प्रदेश की जनता में दवा दवा का इलाज कराने का काम पहले सर्वोपरि था, वो एक बुरा समय भी निकल गया, लेकिन बुरे समय से पहले और बुरे समय निकलने के बाद में भी वर्कर की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया, या कहीं कमजोरी है, या कहीं उसको एडजस्ट वर्कर को नहीं किया, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं होती है। आज अशोक गहलोत जी 3 बार पार्टी के मुख्यमंत्री रह लिए, 3 बार वो अध्यक्ष रह लिए, केंद्र में महामंत्री रह लिए, तो कौन किस कार्यकर्ता ने राजस्थान में हो कहाँ काम किया है, किस लेवल पे काम किया है, वो सच्चा कांग्रेसी है कि नहीं है, उसने उसका पार्टी के लिए क्या देन है, उसकी पार्टी के लिए उसके क्या समर्पित भाव है कि नहीं है, इसके बारे में गहलोत साहब पूरा जानते हैं, सचिन पायलट साहब भी जानते हैं, हो सकता है गोविंद डोचारा जी तो कम जाने, लेकिन हमारे तमाम सीनियर नेता इसके बारे में सारी चीज जानते हैं। तो इसके बाद में, जानने के बाद में भी अगर उन कार्यकर्ताओं को अभी तक भी कहीं सम्मान से नवाजा नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। मेरी ऐसी मान्यता है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है, उस चूक को हमें दुरुस्त करना चाहिए। तो आज मैं कह रहा हूं, एमएलए तो मर गया, एमएलए को पद भी मिल गया, एमएलए तो राज भी कर रहा है, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसने बूथ पे बैठ के एमएलए की जमानत दी थी, जिस कार्यकर्ता ने विधानसभा में घूम के एमएलए की जमानत दी थी, उस कार्यकर्ता ने घूम घूम के एमएलए की गारंटी ली थी, आज वो कार्यकर्ता अगर छोटा सा काम अगर उस विधानसभा में नहीं करा पाता है, तो उसको व्यक्तिगत भी ठेस होती है, परिवार को भी ठेस होती है, और उसके मित्र मंडली भी कहती है भाई तुम्हारा राज आ गया, तुम्हारी यार इतनी सी नहीं चलती, तो उसमें परेशानी है। उस परेशानी को अगर नजरअंदाज हम करेंगे तो निसंदेह हमारे आने वाला, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसमें बुरा असर पड़ेगा, उसको चुरुस्त दुरुस्त करने का काम इन्हीं सीनियर नेताओं का है।